भाजपा सरकार में चरम सीमा पर पहुंची है महंगाई। महिलाओं, किसानों पर अत्याचार और बेरोजगारी का जो सिलसिला लगातार चल रहा है, इसे दूर करने के लिए समाजवादी पार्टी की सरकार बनानी है। किसानों की हक की लड़ाई हो या युवाओं की हक की लड़ाई लड़ना हो या शिक्षकों के लिए पेंशन बहाली, सबके लिए लड़ाई लड़ने के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। बहुचर्चित विधानसभा सीट से सपा सबसे बड़ी जीत जीतने जा रही है। लगातार क्षेत्र में सपा प्रत्याशी की पत्नी सुनैना सिंह और सपा नेता धर्मराज सिंह लल्लू अब्बाली समर्थकों के संग जनसंपर्क कर रहे हैं। भारत के सबसे लंबे व्यक्ति धर्मेंद्र सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से बनाने जा रही है सरकार। यूपी की जनता का सपना साकार हो, लगातार समाजवादी पार्टी और सपा प्रत्याशी के जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। जीत की चाबी सुनैना भाभी जिंदाबाद के समर्थक लगातार नारे लगा रहे हैं। आइए सुनते हैं सपा प्रत्याशी सौरभ सिंह से खास बातचीत। विश्वनाथगंज विधानसभा से आप सपा प्रत्याशी हैं, शेष ही दिन बचे हैं मतदान के लिए, तो विधानसभा के क्षेत्रवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? सबसे पहले सभी मीडिया बंधुओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और जिस तरह से आप हमारा कवरेज और अपने भाई को आशीर्वाद दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दे रहा हूं आपको। जैसा कि आप देख रहे हैं, भी बहुत ही कम समय बचा हुआ है, हम लोग लगातार डोर टू डोर जाकर के अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं। जैसे बीजेपी की महंगाई और अत्याचार बेरोजगारी का जो सिलसिला चल रहा है विगत 5 सालों से, ये हटाना है और समाजवादी पार्टी सरकार लानी है। चाहे हमको किसान के लिए लड़ाई लड़नी हो तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, चाहे युवाओं के लिए खड़ी है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, अनुदेशकों के लिए कोई खड़ा है तो समाजवादी पार्टी खड़ी है, शिक्षकों के लिए, पेंशन बहाली के लिए, सभी के लिए समाजवादी पार्टी खड़ी है। और 2022 में 10 मार्च को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आ रहे हैं और विश्वनाथगंज विधानसभा सबसे बड़ी जीत जीतने जा रही है। जी जी, प्रतापगढ़ विश्वनाथगंज विधानसभा क्षेत्र से अगर आपको विधायक क्षेत्र जो जनता चुनती है, तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी विश्वनाथगंज के लिए? सबसे पहले मैं युवा हूँ और युवाओं के लिए नई हवा है, नई सपा है, बड़ों का आशीर्वाद है, युवाओं का साथ है। और जैसा कि आप देख रहे हैं, युवा हमारे साथ लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं और युवाओं का बहुत बड़ा जोश हमारे साथ है, जिससे कि मैं भी युवा हूं और युवाओं के लिए सबसे पहले मैं अपने विश्वनाथगंज विधानसभा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष से निवेदन करता हूं कि आने वाले समय में मिनी स्टेडियम का कार्य करें, जिससे कि हमारे युवा साथी अपना प्रतिभा दिखा सकें।